नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। कोरोना को अप्रत्याशित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबसे सोकना रहने की अपील की है। तो यहाँ नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में हर महामारी की ताजा स्थिति देखी जा रही है और यहाँ जो स्थिति देखी जा रही है वो काफी ज्यादा भयावह है और इसी ताजा स्थिति को देखते हुए हर तैयारी करने की जरूरत है। कोरोना पर सरकार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने भी अपनी बातें रखी। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में सबको साथ रहकर महामारी से मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि ऐसी महामारी 100 सालों में एक बार आई है, लिहाजा इससे निपटने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम ने महामारी को मानवता का मुद्दा बताया है। प्रधानमंत्री ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीन की बढ़ती जो रफ्तार है उसको बढ़ाने की अपील की है और बता दें कि सभी राज्यों को उसकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ा पेश करते हुए ये भी कहा कि धीरे धीरे वैक्सीन की रफ्तार बढ़ रही है। और वहीं देश में बीते दिन 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले दर्ज किए गए, 30,093 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन बुधवार यानी कि आज की बात करें तो 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केस आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 36,970 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि अगर कल की बात करें तो 1,040 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की जो संख्या है अभी 4,00,000 से ज्यादा ही है। कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। और उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संसद पर प्रदर्शन के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है मगर समर्थन सभी जगह से मिल रहा है। किसान जाएंगे, 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। क्या 22 तारीख को देखेंगे जो भी होगा, अब इसे पहले ही क्यों हम कह रहे हैं, 22 तारीख को देखेंगे क्या होगा। हरियाणा को लेकर क्योंकि किसानों की अरेस्टिंग उन पर लाठीचार्ज, आप इस तरह के कई आरोप लगाए थे पंजाब में, जैसे सोनिया मान उन पर मुकदमे वाली बात आपने की, तो वो थोड़ा सा जानना। देखो हरियाणा में क्या चल रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो इस आंदोलन को पूरे को हरियाणा में ले जाना चाहता है कि दिल्ली छोड़कर हरियाणा में चले जाए। वहां में आपस में ही उनमें वो है, मुख्यमंत्री को दिल्ली सेंटर की कुर्सी चाह रही, वहां के जो गृह मंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनना है, तो आपस में ही उनका तालमेल ठीक नहीं है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में, आंदोलन तो दूसरी जगह भी चल रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ा कि हरियाणा में ही चल रहा, अभी तो भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन है। जिस दिन हरियाणा के खिलाफ आंदोलन। और वहीं हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार को भी कई भागों में बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार की बात करें तो शाम तक प्रदेश में भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे समेत 360 सड़कें बंद रही। बता दें कि रविवार रात से ये बारिश जारी है और ऐसे में नूरपुर की ग्राम पंचायत कोपड़ा में एक व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई। मूसलाधार बारिश से तीसा में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और शिमला में भी दिन भर बारिश का जो दौर है वो जारी था। लोक निर्माण विभाग के धर्मशाला जोन के तहत 68 सड़क मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। कुल्लू जिले की बात करें तो 10 संपर्क मार्गों के साथ 14 पेयजल और सिंचाई योजनाएं प्रभावित हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने यह बताया कि मॉनसून के बादल बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर और इसके साथ लगते क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और बुधवार की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना भी जताई गई है। देखिए पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में मॉनसून बहुत सक्रिय रहा और सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, अलर्ट्स अभी हम रेड अलर्ट नहीं रख रहे हैं अभी आने वाले 48 घंटे के लिए, लेकिन मॉनसून जो है अभी 36 घंटे कम से कम जो है इसी तरह से बना रहेगा। और कुछ इलाकों में जो प्रदेश हैं, सॉरी जो जिले हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। उसके बाद फिर मॉनसून में कुछ कमी आएगी और 26 तारीख के आसपास फिर से मॉनसून सक्रिय होगा और प्रदेश में फिर से भारी बारिश होने की संभावना है।
नहीं देखिए, वो फ्लैश फ्लड का संभावना बना रहता है क्योंकि ऊपर भी थोड़ा हायर रिच पे भी रेनफॉल कुछ एक्टिविटी जैसे चंबा में आज देखा हमने हो रही है, इसी तरह से किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में संभावना है कि बारिश हो जाती है, तो उससे पानी नदियों में नीचे आता है, उससे कुछ संभावना बनती है कि और जो नालाज होते हैं आपने देखो अगर ट्रिब्यूटरीज होती हैं छोटी छोटी उनमें पानी आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी जमीन में पानी बहुत है जो पीछे 3 दिन में बारिश हुई है, तो थोड़ा और पानी आता है बरसता है तो। और वहीं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ये बारिश आफत की बजाय केवल राहत बने इसके लिए हरियाणा के चरखी दादरी प्रशासन ने पहले ही अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए चिंतन मंथन और भागदौड़ शुरू कर दी है। आला अधिकारियों के साथ यहां शहर के दौरे पर यहां डीसी निकले हैं और यहां डीसी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भी तेज बारिश आती है, लगातार बारिश रहती है तो पहले 2-3 घंटे में काफ़ी सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हमने अपने जो एसटीपी हैं और स्टॉर्म वाटर के जो प्रोजेक्ट हैं और जो डिस्पोजल पॉइंट हैं तो सभी जगह का दौरा किया है और उन पर प्रॉपर ड्यूटियां लगाई गई हैं, तो इस तरीके से पानी उसके बाद फिर आपके स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल पॉइंट पर आता है, एसटीपी पर आता है और फिर उसके बाद ड्रेन में प्रॉपर चला जाता है, तो पहले 2-3 घंटे होती है परेशानी, लेकिन सारे शहर का दौरा करके प्रॉपर चाहे कहीं जब हमारे डीजल के पंप चलते हैं या इलेक्ट्रिक पंप चलते हैं तो उसमें कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कहीं रुकावट ना हो और सभी जगह सबकी ड्यूटियाँ लगी गई हैं, सारे पॉइंट डिस्पोजल जो पंप हैं वो सब चेक किए गए हैं, एसटीपी चेक किए गए हैं, स्टॉर्म वाटर के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं तो उनको चेक किया गया है। और वहीं मंगलवार देर रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतापुर में 3 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। पहला हादसा अगर बताएं तो मानपुर थाना क्षेत्र का है, लक्ष्मणपुर गाँव में हुआ और जब यहाँ घर दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बता दें कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। और दूसरा हादसा आपको बता देते हैं कि सदरपुर थाना क्षेत्र के विलोली नानकारी गांव की है जहाँ कच्ची दीवार गिरने से मलबे में चपेट में आए पति पत्नी की मौत हो गई और अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मानपुर थाना इलाके के लक्ष्मणपुर में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो जाती है और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको अब ये बता दें कि मानपुर में बारिश के चलते हादसे के बाद डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। उधर सीतापुर में बारिश की वजह से दीवार गिरने से हादसे के चलते जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और साथ ही उन्होंने जिले वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश भी दिए हैं। ये लोग सब सो रहे थे और दीवार अचानक गिर गई, सब लोग दब गए, तो बाद में जब दीवार गिरने की आवाज आई तब सब लोग जाके खोदे और बाहर निकाले तो ये दोनों लोग निकले बेहोश, बाकी 4 लोग तो बिल्कुल उनके साथ और कुछ नहीं चल रही थी। 4 मरे जी। कितने लोग सो रहे थे? लगभग 6 लोग। विगत रात्रि जनपद सीतापुर में हो रही भारी बारिश के कारण 3 स्थलों पर 7 व्यक्तियों की मृत्यु मकान या दीवार गिरने से हुई है। 2 व्यक्ति घायल हैं, उनका इलाज जनपद के अस्पताल में हो रहा है। 1 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 की स्थिति सामान्य है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को अहेतुक सहायता दी जाने की। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अनूप पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ हुआ है? जिस तरीके से यूपी के सीतापुर में 3 अलग अलग हादसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा साधना जी, 3 दिनों से लगातार यहाँ पे बारिश चल रही है, कभी कभी धीमे धीमे, कभी बहुत तेज और तेज हवाएं भी चल रही हैं। और एक जो ये हादसा मानपुर में हुआ है उसमें 3 लड़के 1 लड़की मौके पर 2 महीने की खत्म हुई है जी। और जी खबर जानकारी होते ही मौके पर लेखपाल व तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पहुंच गए, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। हालांकि बचाव राहत सुबह ही से चालू हो गया था, उसके बाद में 2 लोग जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ सदरपुर में बड़ा हादसा हुआ जहां पे
पति पत्नी अपने रिश्तेदारी में आए थे और एक ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास होता है वो मिला था, उसकी दीवार पे ही छप्पर रखा हुआ था, वो दीवार ढह जाने के कारण पति पत्नी वहीं पे खत्म हो गए और पड़ोस में ही बच्चा सो रहा था, निजी वहीं पे अनुपात खत्म हो गया, जिसके बाद वहाँ भी तहसीलदार और SDM मौके पर पहुंचकर बचाव राहत भी किया, साथ में ही उन लोगों को जब तक अस्पताल भेजा तब तक उन लोगों की मौत हो चुकी थी। जी अनूप, अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई ऐसे हादसे हुए, तमाम जगहों पर ऐसे हादसे हो भी रहे हैं, और अगर यहाँ हादसों की बात करें तो यहाँ क्या लापरवाही के कारण हादसा हुआ है? आपको बता दें कहीं ना कहीं दस फरवरी को एक हादसा यहाँ पे मिश्रिक में भी हुआ था, ऐसा ही यहाँ पे 3 लोग खत्म हुए थे, 2 बच्चे एक बच्चों की माँ, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं SDM और लेखपालों की द्वारा जो है ये लापरवाही तो सामने आ ही रही, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र में अगर तहसीलदार और लेखपाल अगर ध्यान दें तो ऐसा हादसा आगे न हो सके, मगर कहीं ना कहीं लेखपालों की ये लापरवाही है कि जो शासन को रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कच्चे मकान के नीचे जो रह रहे हैं जिनके मकान जर्जर हैं उन लोगों को निकाल दिया जाए तो ऐसे हादसा आगे न हो, मगर इन लोगों की लापरवाही है जो कि इन लोगों की जान जा रही है। जी अनूप, जिस तरीके से अगर बात करें तो क्या घायलों की स्थिति क्या बताई जा रही है और फिलहाल अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है वहाँ की? वहीं DM ने जो बताया है कि जो मृतक हम लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, उसकी खबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और साथ ही जो घायल हैं उनका इलाज जारी है, अभी फिलहाल स्थिति काबू में नहीं है, अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा कि कुछ समय के बाद ही बता सकते हैं कि इनकी स्थितियां कैसी हैं। जी अनूप, अगर यहाँ बात कर ली जाए थी आगे अगर ऐसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और आगे भी बारिश होगी, ऐसा कुछ हादसा दोबारा ना हो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अब इस हादसे से शासन को और जिला प्रशासन को सीख तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही लापरवाही आगे रही लेखपालों की तो आए दिन हादसे होते रहेंगे। अभी फिलहाल इस संबंध में कोई भी अधिकारी बोलना नहीं चाहता है, बस ऐसे ही खानापूर्ति अभी हो रही है, हालांकि बयान तो दे दिया है DM साहब ने, मगर ऐसी कोई कार्रवाई के लिए अभी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार भाग रही है, अपने देश में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी हुई, ये सरकार के लिए शर्म की बात है, बहुत लोग कोरोना में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अपने पल्ले क्यों झाड़ रही है, क्यों भाग रही है? अगर दामन साफ है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? स्पष्टीकरण देना सरकार, क्या किसी के निजी स्वतंत्रता पर इस तरह हमला होगा? ऐसे लोकतंत्र चलेगा? किसी की प्राइवेसी को समाप्त कर दिया जाएगा? जिस तरह का कृत्य किया गया है और जो मामला सामने आया है, तथ्य सामने आया है, अफसोसजनक है इस लोकतंत्र के लिए। तत्काल गृहमंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री इसके लिए जांच कराकर कमेटी नियुक्त करें ताकि स्थिति। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लोग तेज बारिश के बीच भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं लेकिन यहाँ वैक्सीन ना मिलने के कारण लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, लोगों ने कहा फोन आने के बाद वैक्सीन लेने आए थे लेकिन यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही, बारिश में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज मना कर रहे और कल सुबह बोलते हैं 3 बजे से लाइन लगाओ, बोलो 3 बजे सुबह बोलेगा तो कैसे होएगा? गवर्नमेंट तो ऐसे दे रहे और प्राइवेट में करेगा तो 1700, 1200, 1300 रुपये ले रहे प्राइवेट में, फिर गवर्नमेंट क्या ये कर रहा है? इसके लिए हम लोग सुबह से लाइन लगाएगा तो हम लोग का ड्यूटी पे जाएगा का लाइन में लगाएगा, तो इसके लिए कुछ हो नहीं पा रहे, एक हफ्ता से हम लोग ऐसे लाइन लगाते नहीं मिल रहा। अभी आगे को गवर्नमेंट क्या सोचेगा, मोदी सरकार क्या करेगा करने, तो अभी वैक्सीन नहीं देगा तो ट्रेन में भी अलॉट नहीं है और टिकट भी नहीं देते, पास भी नहीं देते, फिर हम लोग जिएगा कैसे, परिवार कैसे करेगा? कल गवर्नमेंट के लिए ये कर रहा है। परसों के दिन मेरे को मोबाइल पे कॉल आया था कि वैक्सीन के लिए आप आए क्यों ले, मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन अभी आया हूँ इधर तो वैक्सीन
बजे से खड़ा है, बारिश है और इधर नो बोर्ड लगा के रखा है। ऐसा करेगा तो फिर सब लोग वापस जमा होएंगे वैक्सीन लेने के लिए। बार बार आप लोग बुलाएंगे और बोलेंगे बाद में कि तो कल नहीं आ पाया, अब आज आया हूँ, लाइन लगाया हूँ। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति ने ईद उल अजहा से पहले बकरी को ड्राई फ्रूट्स खिलाए। व्यक्ति ने बताया कि वो ड्राई फ्रूट्स और चने ही लाते हैं। बकरी कीमत लगाई जा रही है इस बीच, लेकिन वो कुर्बानी के लिए ही यहाँ बकरा लेकर आए हैं। साढ़े पाँच लाख रुपए लगी। क्या खिलाते हैं इनको आप? सब काजू बादाम पिस्ते पत्ती चने। अभी 10-11 महीने हुए लिए। ये पंजाब प्रजाति के 48 इंच के फुल इंच। वजन कितना होगा? वजन 175-180। हाँ, दूसरे वाला ये दो की जोड़ है या सिंगल सिंगल है? नहीं, सिंगल सिंगल है, दो ही अलग अलग नस्ल के। आपने कुर्बानी के लिए लिए या बेचने? कुर्बानी के लिए जी। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुई खुर्शीद के खिलाफ फारुखाबाद की एक अदालत ने कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी के खिलाफ यह वारंट जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट केस में हुआ है। ये बता दें कि लुई के ट्रस्ट पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। ट्रस्ट पर आरोप यह है कि केंद्र से मिले अनुदान में हेरफेर की गई। इस ट्रस्ट का संचालन वो लुई खुर्शीद करती है। वित्तीय धोखाधड़ी का यह मामला साल 2010 का है। ट्रस्ट पर यह आरोप है कि उसने केंद्र सरकार से 71 लाख रुपए प्राप्त किए, लेकिन इसका सही लेखा जोखा उनके पास नहीं है। बता दें कि मार्च 2010 में डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल और सुनने के यंत्र वितरित करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार से 71,50,000 रुपए का अनुदान मिला था। लेकिन यहां सलमान खुर्शीद 2012 में जब यूपीए सरकार में मंत्री थी, उस समय इस ट्रस्ट का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालांकि खुर्शीद ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज करके और दस्तखत करके मोहर लगाकर केंद्र सरकार से वह अनुदान हासिल किया गया था। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के बांदा पुलिस ने एक महिला के हथियारे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने हत्या के कुछ ही घंटे बाद खुलासा करते हुए महिला के हथियारे को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको ये बता दें कि तेंदुवारी थाना क्षेत्र के बेंदा गांव में महिला की गर्दन में पीछे से धारदार हथियार से हमला करा गया और फिर हत्या कर दी गई। मामले में सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तकरीबन 8 घंटे बाद ही पुलिस ने गांव के ही रमेश नाई को गिरफ्तार कर लिया और यहां मामले का खुलासा भी कर दिया गया है। हत्या की वजह महिला से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। इस मामले में आज एसपी बांदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। घटना हुई थी, क्या सामने कल रात में एक ग्राम बेंदा थाना तिजवारी में घटना हुई, जिसमें की एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच की थी और इस घटना की सूचना पर तत्काल हम सभी लोग वहाँ मौके पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी मौके पहुँचे और बहुत ही कम समय में विद इन 6 से 8 घंटे में हम लोगों ने घटना को वर्कआउट कर लिया। और घटना इस तरह से थी कि गांव का ही एक रमेश उन्नू नाम का व्यक्ति है, जिससे पहले भी महिला के संबंध रहे हैं और उसी संबंधों के क्रम में कल जो है इनके बीच में नोकझोंक हुई, जिससे कि उस महिला की इसने हत्या कर दी। और बाद में और अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक युवती ने गैर धर्म के युवक पर लव जिहाद का मामला सामने है। तो यहां लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बांसठी थाना क्षेत्र के सोनपुरा खुर्द गांव की रहने वाली एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान छिपाकर उससे पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। जब युवती को युवक की असलियत पता चली तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तुम हिंदू धर्म के हो, तुम्हें
हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, मेरे कष्ट में आ जाओ, और जो मुझे पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है? बोल रहे कि आप मतलब हिंदू से मुस्लिम बन जाइए, मुझे दबाव डाल रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपना धर्म छोड़ के कैसे बदल सकती हूँ? किसके लिए आपके ऊपर दबाव भी बना रहा था? हाँ। किस तरह के दबाव आपके ऊपर बना रहा था वो? मतलब कि और अब यूपी के हापुड़ की बात कर लेते हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा फिलहाल जारी है। दरअसल यहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बता दें कि पुलिस ने बदमाशों से 30,000 की नकदी, देसी पिस्टल, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए हैं। इस मामले में आपको ये भी बता दें कि ये बदमाश हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, और इस पूरी घटना के दौरान एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गया। आज रात्रि को लगभग 10:30-11 बजे के बीच NH9 पर चेकिंग हो रही थी। संपूर्ण जनपद में चेकिंग एक्चुअली हो रही थी। पिछले एक हफ्ते में कुछ घटनाएं हो गई थी। चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल पर, सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर, 3 लोग भाग रहे थे, उनको रोका गया। तो उस दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, दोनों घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है, अस्पताल पहुंचा दिया गया उनको। एक का नाम उसमें संदीप है, जो कि रहने वाला बिसरक थाना, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता वो है। दूसरा सलीम है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस का कांस्टेबल भी जो है, हमारा एक कांस्टेबल, हाँ, इस मुठभेड़ में घायल हुआ, इसका नाम नवनीत है, उसको भी उपचार हेतु अस्पताल पहुँचा दिया गया, उसकी स्थिति सामान्य है। और तीसरा जो अभियुक्त फरार चल रहा है, उसकी तलाशी की जा रही, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ घटनाओं का वो किया। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।